बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता थे। उनके द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार लोकतंत्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जीवन से संबंधित 5 स्थानों को पंचतीर्थ का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी के आदर्श हैं और उनके दिखाए गए मार्गों पर चलकर बहुत से अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। संविधान के निर्माता थे, उनके अनुसार भारत के जो संविधान है उसके अनुसार लोकतंत्र आज चल रहा है। लोग उनको वोट के नाते देखते हैं, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार उनके 5 स्थानों को, जहां वो शिक्षा लिए थे, जहां वो जन्म लिए थे, पंचतीर्थ का नाम दिया। यहां तक कि इंग्लैंड में जा करके उन्होंने भारत खरीद कर करके उसको, जहां रह रहे थे उसको भी पंचतीर्थ का नाम दिया। मुहू जहां वो जन्मे थे वहां पंचतीर्थ का नाम दिया। मुंबई के स्थान को जो दूसरे के कब्जे में था उसको दिया। तो इस प्रकार से कभी भी उनका वोट के नाते नहीं बल्कि राष्ट्र रत्न के नाते माना। और जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, तभी उनको भारत रत्न का की उपाधि भी मिली। तो हमने कभी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी, और नरेंद्र मोदी जी ने तो साफ साफ ये कहा कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर हम लोगों के आदर्श हैं, उस अनुराग होना चाहिए। तो कभी वोट के नाते नहीं बल्कि लोकतंत्र के एक प्रहरी के रूप में जो उन्होंने कार्य किया उस नाते हम उनको पूजते हैं, उनका वंदन करते हैं। आज उनके जन्मतिथि पर हमने माल्यार्पण किया है और सभी लोगों से आग्रह है कि डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों को पालन करें।